हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। पिछले कई दिनों से हमारे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई है, जिसकी वजह से हमारा और आपका जो कम्युनिकेशन है या फिर हमारा जो कनेक्शन है वो गरीना फ्री फायर और फ्री फायर इंडिया जैसा हो गया है कि हमारी कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। एंड कई सारे सवाल आपके भी हैं, कई सारी चीज़ें मुझे भी शेयर करनी है, तो भाई आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं फ्री फायर इंडिया से, क्योंकि जो देखो जो लास्ट वीडियो हमने डाली थी हमारे चैनल पे 6 दिन पहले, उससे पहले 13 दिन पहले वीडियो आई थी, चलो बात अलग है, 6 दिन पहले जो वीडियो आई थी इसके अंदर मैंने बात करी थी हमारे फ्री फायर इंडिया के बारे में कि देखो इंडिया का नेम आ रहा है हमारे यहाँ पे। जो पोस्ट आया था फ्री फायर ई स्पोर्ट्स थाईलैंड के पेज पे, उसके अंदर इंडिया उन्होंने साफ मेंशन करा था, जिसके कुछ घंटे बाद, जैसे ही हमने ये वीडियो बनाई उसके कुछ घंटे बाद ये इंडिया यहाँ से गायब हो गया। अब देखो मैं आपको बैकएंड की थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा जो मुझे सुनने को मिली है। भाई यहाँ पे जब ये गरीना फ्री फायर इंडिया ने नोटिस करा कि इंडिया यहाँ पे मेंशन है, तो उनके स्टाफ ने जाकर के थाईलैंड से बोल करके मेरे ख्याल से इसको रिमूव करवा दिया, ऐसा मुझे सुनने को मिला। और यहाँ पे देखो इसका सीधा सीधा मतलब दो ही चीजें निकल के आती हैं, या तो थाईलैंड की गलती थी कि उन्होंने यहां पे इंडिया ऐड कर दिया और ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, या फिर सेकंड चीज ये है कि गरीना फ्री फायर इंडिया अभी इंडिया की हाइप क्रिएट करना नहीं चाहता, फ्री फायर ई स्पोर्ट्स इंडिया की हाइप क्रिएट करना नहीं चाहता जब तक वो लोग ऑफिशियली लॉन्च स्टार्ट ना कर दें, या फिर ऑफिशियली लॉन्च अनाउंस ना कर दें, या फिर कोई डेट अनाउंस ना कर दें। इसके साफ दो ही मतलब निकल के आते हैं। बट इस बीच में एक बहुत बड़ी गलती जो गरीना फ्री फायर इंडिया की साइड से निकल के आई, जो हमें साफ नजर आया कि कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, नीदर यहाँ पे हमारे यूट्यूबर्स या फिर क्रिएटर्स के साथ, नॉर यहाँ पे हमारे किसी भी प्लेयर के साथ, या फिर किसी भी यहाँ पे एक्स वाई जी के साथ, यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है फ्री फायर का इंडिया के अंदर, क्योंकि भाई जब तक ये कम्युनिकेशन नहीं होगा ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी, प्लेयर्स और हम सभी लोग मिसगाइड होते रहेंगे छोटी छोटी चीज़ों को देख करके। तो मैं पहली बात तो मैं वीडियो पर, आपको पता होगा मैं फ्री फायर इंडिया की कोई वीडियो डालना ही नहीं चाहता था, बट जब मैंने डाली तो भाई यहाँ पे ये हो गया। बुरा मुझे आपसे ज़्यादा लग रहा है कि मैं कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहा हूँ, अब पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहा हूँ, एंड जिसके बाद ये चीज़ बिल्कुल अलग हो जाती है। मैंने यहाँ पे कमेंट भी करा था कि गरीना जस्ट रिमूव इंडिया फ्रॉम द पोस्ट, आई डोंट नो वाई, सॉरी बट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मैं वीडियो नहीं बना पाया पिछले 6 दिनों, आई एम रियली सॉरी गाइज। एंड ये मैंने उसी टाइम पर डाल दिया था कुछ ही घंटों के अंदर जब मुझे इंडिया यहाँ से गायब नहीं होता हुआ नजर आया था। अब देखो चलिए तो बात होगी इंडिया की, बट इंडिया के रिगार्डिंग एक और बड़ा झटका है। मैंने जैसे कि आपको बोला था इसी वीडियो के अंदर, बहुत सारी वीडियोस के अंदर, कि 2024 इज दैट ईयर जहां पे हमारा फ्री फायर ई स्पोर्ट्स अपनी पीक पे होगा। क्यों? मैंने आपको इसके रीजन भी दिए थे, क्योंकि यहां पे जो हमारा फ्री फायर का वर्ल्ड सीरीज होने वाला है ब्राजील में होने वाला है, ये एक ऑडियंस लैंड होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। 2019 का वर्ल्ड सीरीज आज भी लोग याद रखते हैं, दोबारा से ब्राजील में हो रहा है, ब्राजील साफ कह रहा है ये सबसे बड़ा वर्ल्ड सीरीज हम लोग बना के दिखाएंगे, तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सेकंड चीज ये है कि इस साल हमारा फ्री फायर जो वर्ल्ड सीरीज का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, स्प्रिंग एडिशन, फॉल एडिशन, इसके साथ ही साथ कॉन्टिनेंटल लेवल पे पहले सारी की सारी चीजें हो रही हैं, देन इसके बाद इंटरनेशनल जा रही है। ये बहुत अच्छा रोड मैप हम लोग लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत पहले से कई सारी गेम्स कैरी कर रही हैं, बट हम लोग फाइनली ये नया फॉर्मेट लेके आए। इस साल हमारा जो फ्री फायर हमारा होने वाला है प्रो सीरीज जो चल रहा है, स्नैपड्रैगन प्रो सीरीज चल रहा है, वो काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है, जो कि हमारे SEA और ब्राजील लैटिन दोनों को मिला करके हो रहा है। इवन तो मैं तो कहना चाहता था कि अगर इंडिया होता तो हमारा प्रो सीरीज इंडिया भी होता, स्नैपड्रैगन प्रो सीरीज, क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था लास्ट टाइम इनको, तो वो हो रहा है इस साल। इससे भी हम लोग थोड़ा एब्सेंट चल रहे हैं, वर्ल्ड सीरीज से हम लोग एब्सेंट चल रहे हैं अभी तक, जब तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आता है। इसी के साथ साथ अनाउंस हो चुका हमारा ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, ये बहुत बड़ा इवेंट है, पूरा वर्ल्ड वाइड देखे तो सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसका पार्ट हमारा फ्री फायर भी। आई एम सुपर हैप्पी फॉर दिस, बट फ्री फायर इंडिया की अगेन इसमें कोई खबर नहीं है। समर्स में स्टार्ट होने वाला है, कुछ ही मंथ्स के अंदर स्टार्ट होने वाला है, जुलाई के मंथ में स्टार्ट हो जाएगा, पर इंडिया इसका पार्ट नहीं है। और आने वाले टाइम पर आप लोग सोच रहे होंगे कि पार्ट बना देंगे अचानक से, मुझे नहीं लगता अचानक से पार्ट बनाएंगे, बट मे बी नॉट, आई एम नॉट श्योर। बट फ्री फायर वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसका फ्री फायर पर दुख हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट था, ये ऑडियंस लैन है, रियाद करवा रहा है इसको, सच में यार हम इससे भी एब्सेंट है। बट इसमें एक चीज मुझे अच्छी लगी, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि ऑफिशियल बॉडी में भी एंड नॉन ऑफिशियल बॉडी, सबको कंक्लूड करूँ, किसी दूसरे इवेंट का जैसे स्नैपड्रैगन प्रो सीरीज का यहाँ पर डायरेक्ट सीट किया गया है।
मुझे बहुत अच्छा लगा। जो यहाँ से अच्छा परफॉर्म करेगा, शायद एक SCA से और एक हमारे लातिन और ब्राजील से, दो टीम्स निकल करके डायरेक्ट जाएंगे हमारे वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप खेलने के लिए फ्री फायर का। मैं चाहता हूँ कि इसकी हिंदी में भी कॉमेंट्री हो और हम लोगों को भी चांस मिले, मुझे भी चांस मिले, क्योंकि मजा आएगा भाई, ये एक नया एक्सपीरियंस होगा। बट ये सबसे बड़ा इवेंट होने वाला, 8 सीट्स मिल रही है यहाँ पे SCA को, साउथ ईस्ट एशिया को। इसमें अगर इंडिया टाइम पर आ जाता तो एक सीट हमको भी बनती है भाई। फ्री फायर लातिन को मिलने वाली है वर्ल्ड सीरीज लातिन ब्राजील, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल का एक बहुत अच्छा कह सकते हैं समायोगम, हिंदी में कहते हैं, या फिर अगर हम बात करेंगे एक बहुत अच्छा मर्जर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ मेरे को आपको आपके साथ डिस्कस करनी थी। एंड हाल फिलहाल में गरीना फ्री फायर ने एक नया हमारे को फीचर ऑफर कर दिया गेम के अंदर, स्पेक्टेटेशन का। अब इसके लिए गरीना फ्री फायर को एक बहुत बड़ा फीडबैक मैं देना चाहता था, बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, मैं इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। शायद कोई गरीना फ्री फायर तक बात पहुँचा दे मेरी, जैसे जिसने मेरी ये वीडियो पहुंचाई थी। मुझे पता चल गया था गरीना फ्री फायर के ग्रुप्स में मेरी ये वीडियो गई थी भाई, मैं सच बता रहा हूँ। इतना मुझे लगा कि भाई ये कौन होता है भाई, मतलब उस बंदे को लगा कि भाई मेरे इस वीडियो पर मेरे को स्ट्राइक आ जाएगी, और उस बंदे ने भाई जा करके फ्री फायर ईस्पोर्ट, मतलब जो फ्री फायर के आजकल डिस्कशन ग्रुप्स है जिसमें पब्लिक ओपिनियन लेती है, उसमें पहुंचा दी। तो भाई ये वीडियो भी पहुंचा देना अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है कौन हो तुम, मेरे पास नंबर भी है इवन दो आपका। तो भाई यहाँ पे तो आपका जो रिएक्शन है जब स्पेक्टेट करते हैं, जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। सो प्लीज़ रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए या फिर रिएक्शन को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए कुछ ऑप्शन दो, क्योंकि भाई ये रिएक्शन की वजह से बहुत बार ऐसा होता है हमारे फ्रेंड्स आकर के देखते हैं गेम प्ले और बहुत ज़्यादा वो रिएक्शन स्पैम करते हैं, 3-4 दोस्त भी देखते हैं तो कंटिन्यूसली रिएक्शन स्पैम होता है, जिसकी वजह से पूरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और गेम प्ले पूरा फ्लॉप हो जाता है, खराब हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का फीडबैक पहुंचा देना गरीना फ्री फायर डिस्कशन ग्रुप्स तक, जो भी देख रहा है इस वीडियो को। एंड साथ ही साथ गाइज यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ करी है गरीना फ्री फायर ने कि ऑल द बेस्ट बोल दिया है गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई नो इट्स एग्जाम मंथ इन इंडिया, तो मुझे नहीं पता नेपाल में एग्जाम मंथ है नहीं है, बांग्लादेश में है नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, बट इंडिया में एग्जाम मंथ चल रहे हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम भाई, अच्छे से प्रिपरेशन करो, ग्राइंड करो जैसे गेम में करते हो भाई, यहाँ पर रैंक पुशिंग का वैसे ही घंटों घंटों बैठ करके आप लोग अपनी ग्राइंड करो, क्योंकि ये जो रैंक पुश होगी ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, ये जो आपको स्कोर मिलेगा ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। तो प्लीज़ गाइज यहाँ पे अपनी मेहनत करो, और जरूरी नहीं कि हमारी वीडियोज भी डेली देखो, बट कभी कभी हम लोग वीडियोज डालेंगे उनको देख लिया करना। एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो मेरी तबीयत खराब चल रही है, आप लोग समझ गए होंगे, मेरा गला बैठ रहा है, थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार, आपको पता है कि सीजनल चेंजेस आते हैं, बीमार हो जाता हूँ मैं। एंड इसके अपार्ट गाइज यहाँ पे थोड़ा पर्सनल लाइफ में बिजी चल रहा था, इसीलिए कोई वीडियो नहीं आई थी, आई एम रियली सॉरी। मैंने किसी का अगर होप्स दे करके मैंने किसी को निराश कर दिया, नाराज कर दिया, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ एक अच्छी वीडियो दे सकूँ, आपके साथ एक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ, बट कभी कभी गलतियाँ मुझसे भी जाती हैं, इंसान मैं भी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू टिल देन, बाय बाय और टाटा।